हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ought to के 6th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट ought to have been then object। कर्ता को कुछ होना चाहिए था या कर्ता को कहीं होना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपने लास्ट कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ought to be मतलब होता है चाहिए, मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कर्ता को कुछ होना चाहिए या कर्ता को कहीं होना चाहिए। ought to be, और ये उसी का पास्ट टेंस है ought to have been। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने ought to में पढ़ा है कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, तो यहां होगा हमें डिसिप्लिन होना चाहिए था। लोगों को सभ्य होना चाहिए, तो यहां होगा लोगों को सभ्य होना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट है। ought to have been सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे लोगों को सभ्य होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होना चाहिए था, टीचर्स को ईमानदार होना चाहिए था, हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था, सैनिकों को बहादुर होना चाहिए था, लोगों को निडर होना चाहिए था, हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था, सैनिकों को देशभक्त होना चाहिए था, सैनिकों को अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, जैसे हमें रिस्क टेकर होना चाहिए था, हमें हर एक के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए था, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव होना चाहिए था, सभी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, सभी लोगों को एनर्जेटिक होना चाहिए था, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को प्रेयर में होना चाहिए था, लोगों को मीटिंग में होना चाहिए था, जैसे हमें सभ्य होना चाहिए था। जो इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, वो ought to have been में बनने वाले हैं। बनेंगे कैसे सेंटेंस, आइए समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ought to have been disciplined, है ना। हमें मातृभूमि का रक्षक होना चाहिए था, सो वी ought to have been प्रोटेक्टर ऑफ द मदरलैंड। मातृभूमि मतलब मदरलैंड, सो वी ought to have been the प्रोटेक्टर ऑफ मदरलैंड। जैसे लोगों को ईमानदार होना चाहिए था, सो पीपल ought to have been honest। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए था, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, समय के साथ चलने वाला, सो स्टूडेंट्स ought to have been पंक्चुअल। जैसे स्टूडेंट्स को अनुशासित होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ought to have been disciplined। टीचर को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए था, सो टीचर्स ought to have been honest about their works, they are honest towards their work। सैनिकों को देशभक्त होना चाहिए था, soldiers ought to have been patriot। सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, soldiers ought to have been dedicated for country। हमें अपने परिवार के प्रति responsible होना चाहिए था, मतलब जिम्मेदार होना चाहिए था, so we ought to have been responsible for our family। हमें सभ्य होना चाहिए था, सभ्य मतलब सुशिक्षित, या जिसको हम बोले अच्छी तरह से चलने वाला, अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला, अच्छी तरह से बातचीत करने वाला, उसको हम सभ्य बोलते हैं, so we ought to have been mannerful, या फिर उसको बोलते हैं civilized। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ought to have been confident। टीचर को नॉलेजेबल होना चाहिए था, टीचर ought to have been knowledgeable। उन्हें उनके जॉब के लिए एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए था, दे ought to have been experienced for their job। हमें जिंदगी में रिस्क टेकर होना चाहिए था, सो वी ought to have been रिस्क टेकर इन द लाइफ। जैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्वर, या मैं बोलूं टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए था, सो टीचर्स ought to have been प्रॉब्लम सॉल्वर्स फॉर स्टूडेंट्स। सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था, सोल्जर्स ought to have been on the border। स्टूडेंट्स को क्लास में होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought to have been in the class। टीचर्स को प्रेयर में होना चाहिए था, so teachers ought to have been in the prayer। स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए गंभीर होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought to have been serious for their career। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाना चाहूं पॉजिटिव सेंस के लिए, जैसे सैनिकों को कायर नहीं होना चाहिए था, सोल्जर्स ought not to have been coward। स्टूडेंट्स को आलसी नहीं होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ought not to have been lazy। स्टूडेंट्स को लेट नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought not to have been late। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग अफर्मेटिव या नेगेटिव में ही बना सकते हैं, और नेगेटिव में भी वही सेंटेंस बनेंगे ought to में जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। आइए दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं कि हम ought to have been को यूज कैसे कर सकते हैं। सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था, सो सोल्जर्स ought
soldiers ought to have been dedicated for कंट्री. सो सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड फॉर कंट्री. हमें अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए था. सो वी ऑट टू हैव बीन उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल भी बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फैमिली, है ना. सो वी ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फैमिली. लोगों को समाज के प्रति सभ्य और शिष्टाचारी होना चाहिए था. सो पीपल ऑट टू हैव बीन मैनरफुल एंड सिविलाइज्ड समाज के प्रति, टुवर्ड्स सोसाइटी मीन्स समाज. सो People ought to have been mannerful and civilized towards society. विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए था. So students ought to have been full of confidence and energy. So, students ought to have been full of confidence and energy. सैनिकों को अपने देश की रक्षा के लिए शहीद होना चाहिए था. So, soldiers ought to have been शहीद होना चाहिए था देश की रक्षा के लिए. शहीद means martyr, है ना. To protect country. ठीक है. So soldiers ought to have been martyr. Martyr means शहीद. To protect country. सैनिकों को देश की रक्षा के लिए शहीद होना चाहिए था. So guys, यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की ought to के sixth use के बारे में, जो ought to have been के format में है, जो advanced verb of to be का ही एक concept है. So guys, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ought to का ये वाला concept, ought to have been भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर किसी भी तरह का confusion है, वीडियो को repeat करके देखिए, या फिर इसके अलावा कोई confusion है तो comment जरूर कीजिएगा. मैं सभी problem sort out जरूर करूंगा. Thank you so much, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए.